और एक और महत्वपूर्ण बात, शिक्षा संबंधित 5 लाख तक के सभी कर्ज जो शिक्षा संबंधित होंगे उस कर्ज को हम लोग माफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्रों का हम लोगों ने ख्याल रखा है। साफ तौर पे जो जीविका कैडर को जो बीमा योजना से हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, बैंक मित्र के मानदेय 2200 से बढ़ाकर के 5000 प्रतिमाह किया जाए। जो लोहार हैं, कुम्हार हैं, सुनार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, तेली हैं एवं राजमिस्त्रियों को व्यापार हेतु 50,000 तक की अनुदान राशि दी जाएगी। इन्हें ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। तो जो हमारे लोहार का काम, कुम्हार का काम, सुनार का, बढ़ई का, तेली का, नाई का, राजमिस्त्रियों का, इन सब के लिए व्यापार हेतु 50,000 रुपये का अनुदान राशि हम लोग देंगे। साथ ही साथ ब्याज मुक्त ऋण भी इनको दिया जाएगा। नए वकीलों के चैम्बर के लिए ज़मीन आवंटित होगी, क्योंकि कचहरी रेवेन्यू का दूसरा जरिया है। विशेषकर कुछ जगहों पर वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिससे सड़कों पर कम जाम लगे और गरीब रेड़ी वालों से पुलिस वाले उगाही ना कर सकें। अभी आप देखते होंगे पटना की सड़कों पर अगर देख लें तो नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को बेघर किया, कितने लोगों का जो ठेला वाले, रिक्शा वाले, इन सब को कितना तंग किया अतिक्रमण के नाम पर। बल्कि जो सरकारी जो लालू जी ने भी बनाया था, बिहार सरकार ने जो बनाया था, अब आप चले जाए इनकम टैक्स गोलंबर पे ही जो फल मार्केट है वो लालू जी ने बनाया, ताकि एक प्रॉपर जगह बैठ करके वो लोग जो हैं अपने फल को, सब्जी को बेच सकें। अगर हम यहाँ नहीं जाते तो शायद इस पर भी बुलडोजर चल गया होता, दूध मार्केट पे चला, मछली मार्केट पे। तो इस तरह के सारे देखेंगे आप, बोरिंग रोड पे मछली मार्केट चले जाइए तो प्रॉपर दुकान पहले बना हुआ था, वहाँ मछुआरे जो है मछली बेच सकते थे। तो हमारी सरकार जब बनेगी तो इन सब चीज़ों पे हम लोग विशेष करके जो वेंडिंग जोन जो है ये बनाए जाएंगे, जिससे सड़कों पर कम जाम लगे और जितने रेड़ी वाले, ठेले वाले, इन सबों को सुविधा होगी। मिल्क डेयरी के उद्योग के लिए अमूल जैसी कोई कोऑपरेटिव स्कीम या सुधा डेयरी को मजबूत करके मिल्क के प्रोडक्शन और वितरण श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। कुल्हर हर जगह दोबारा मिलेंगे, जिससे कुम्हार समाज को मजबूती मिलेगी, उनकी आय में वृद्धि होगी। और लालू जी जब रेल मंत्री थे तो आपको पता है कि कुल्हड़ का ट्रेन में इस्तेमाल किया गया था, जिससे जो गरीब तबका, जो कुम्हार परिवार है, उनके आय में भी बढ़ोतरी हुई। और एक जो पोल्यूशन प्लास्टिक के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए जो फैलता है, ये काफ़ी जो है कम हो। तो हमारी जब सरकार बनेगी तो कुल्हड़ हर जगह दोबारा मिलेंगे, जिससे सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अभी आप लोगों से मैंने चर्चा की कि दवाई को लेकर के, इलाज को लेकर के, बेहतर अस्पताल को लेकर के लोग दूसरे राज्य जाते हैं या तो प्राइवेट में जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप गए तो कितना शोषण होता है हम सब लोगों ने देखा है। एक दिन, दो दिन में ही इतने लंबे चौड़े बिल आपको थमा दिए जाते हैं। और उस दौर में जब आप तकलीफ़ में है, कठिनाई में है, जहाँ आपके परिवार या परिजन, दो संबंधी की जान चली जाती हो या बीमार हो, जहाँ आपको सपोर्ट मिलना चाहिए,
वहाँ कितना शोषण होता है लोगों का, लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। यहाँ बिहार में अच्छा अस्पताल नहीं, यहाँ के अस्पतालों की स्थिति, थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो आईसीयू में पानी चला जाता है, सांप बिच्छू मिलने लग जाते हैं,